एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ट्रैवलिंग बस। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग हैं जो श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर घूम के आ चुके हैं, जिनका अलग अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ लोग हाउस बोट में रहते हैं और कुछ लोग होटल्स में रहते हैं। तो आज का जो वीडियो ये मिक्स्ड है, मतलब हाउस बोट एंड होटल्स के बारे में है, कि आपका दोनों तरफ रहने पे आपको दोनों का अलग अलग जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। पहला मैं आपको हाउस बोट दिखाऊंगी कि हाउस बोट में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ आप कैसे जा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं उसके आपको चार्जेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी कि आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा है कि श्रीनगर का जो दाल लेक है, दाल लेक के पास ही लोग ज़्यादातर हाउस बोट जो होता है वो वहीं होते हैं तो वहीं लेते हैं, और उसके आसपास होटल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं दाल लेक के पास ही होटल लेने का। तो मैं आज आपको उस होटल के बारे में भी डिटेल्स दूंगी कि आप कौन सा होटल लिए आपके बजट में आए और बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए आपको ये वीडियो जो है कंप्लीट देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्या आता है, नए लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नए नए वीडियो लेके आपके पास आ सकूं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हाउस बोट। हाउस बोट देखने जा रहे हैं, मतलब हाउस बोट में रहने वाले हैं श्रीनगर में, और फिलहाल हम लोग हैं दाल लेक में। आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है गेट नंबर 15 से अगर आप एंट्री करिएगा तो आप यहाँ पे पहुँचिएगा। इस हाउस बोट का नाम है टॉप एरिन, ERIN टॉप एरिन। काफ़ी सुंदर बोट है, बट जैसा कि आप जानते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो हमें क्या थे, हम जब कैब में आ रहे थे शेयरिंग टैक्सी पे, तो हमें बहुत ही अच्छे दो तीन अंकल मिल गए हैं जो यहीं के हैं। एक्चुअली उनमें से एक यहीं के हैं और दो यहाँ पे घूमने आए हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है ये बोट ढूंढने में, बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मदद किया हमें। तो मैं आपको हाउस बोट का अंदर का दिखाती हूँ कैसा है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका रेंट क्या है और यहाँ के एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। हाँ, टोटल 3 रूम है, बालकनी है, चलिए देखते हैं। ये रहा किचन, बाथरूम, यहाँ पे है वेस्टर्न टॉयलेट, ये है ब्यूटीफुल बाथटब। पे ब्लैंकेट्स, चादर, पिलो सब अवेलेबल है। चलिए ये देखते हैं दूसरा रूम, और यहाँ का बाथरूम देख लेते हैं। देखिए ये एक्चुअल में बहुत ही सुंदर है, और इसका जो बालकनी का व्यू है वो भी काफी अच्छा है। ये है हॉल प्लेस, यहाँ देखिए ब्यूटीफुल पार्ट है इसका, वो है इसका बालकनी। तो चलिए बालकनी को देखते हैं, और बालकनी देखने के बाद हो जाते हैं।
Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's a sensation. I live my life in. तो ये जो होटल है ये एकदम दाल लेक के पास 11 नंबर गेट के उल्टा तरफ है और खिड़की से आप दाल लेक का व्यू ले सकते हैं। तो गाइज आपने देख ही लिया कि हाउस बोट और जो होटल है श्रीनगर का, दोनों का ही एक्सपीरियंस जो है बहुत ही डिफरेंट लेवल का है। और दाल लेक के ऊपर अगर आप हाउस बोट पे रह रहे हो या फिर दाल लेक के पास आप होटल में रह रहे हो, दोनों का ही जो व्यू है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है। और चलिए चलते हैं अब हम अपने हाउस बोट के रेट की तरफ। तो हमारा जो हाउस बोट था वो था 2000 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें दो लोग स्टे कर सकते थे एक रूम में। और रहा फूड की बात, तो उनका पर्सनल किचन है जहाँ पे मैं गई थी, और वहाँ का मेन्यू भी है। अगर आप चाहो तो हाउस बोट पे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर उनका जो जितने भी हाउस बोट से उनका पर्सनल शिकारा होता है वो आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको दाल लेक के पार पहुँचा देंगे, जहाँ पर रोड है, जहाँ पर होटल्स है, रेस्टोरेंट है, विदाउट कॉस्ट, मतलब कोई चार्जेस वो नहीं लेते क्योंकि आप उनके हाउस बोट पर रह रहे हो। तो वहाँ पे से भी आप जाके कोई भी होटल या रेस्टोरेंट से खाना ला के अपने हाउस बोट पर खा सकते हो। और इसके अलावा आते हैं इसके कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो जो भी डिटेल्स हैं इनका नाम और कॉन्टैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप अगर श्रीनगर जाए तो इनसे कॉन्टैक्ट करें और अपना हाउस बोट बुक करें। तो आते हैं अब होटल्स की तरफ। तो आपने देखा कि मैंने जो वीडियो में होटल दिखाया वो काफ़ी लग्जरियस था और सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा बता दूँ इसका जो रेट है ये सेम है। हाउस बोट में आपको 2000 रुपीज़ पर नाइट लगा था, यहाँ भी 2000 रुपीज़ पर नाइट लगा, लेकिन यहाँ पे एक रूम में हम लोग चार लोग स्टे किए थे और यहाँ के जो स्टाफ थे होटल के वो भी काफ़ी अच्छे थे। और आप चाहो तो रिसेप्शन पे जो रहते हैं, जो बंदे रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको कैब दिला सकता है श्रीनगर का साइट सीनिंग के लिए। तो जैसे कि मैंने श्रीनगर का साइट सीनिंग कहा, तो अगर आपको देखना है कि श्रीनगर में कौन कौन सी जगहों पर आप देख घूम सकते हो, तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर श्रीनगर के साइट सीनिंग करवाऊँगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। My head like a narration, don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.